हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4, चैप्टर 5, सब्जेक्ट इन्वायरमेंट। ओके, तो चलिए, चैप्टर 5 में हमारा आधा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था। अब हम देखते हैं आधे चैप्टर से। अनीता को पास के गांव में भी सभी लोग पहचानने लगे हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और प्रत्येक को पढ़ाई का महत्व समझाती है। कभी कभी कुछ लोग उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को पता है कि उसे क्या करना है। अब यहाँ पर देखो, अनीता के बारे में तो मैक्सिमम लोग जान गए, क्योंकि अनीता मधुमक्खी पालन का कोर्स की है। मधुमक्खी को पालती भी थी और पढ़ाई भी करती थी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अनीता को पास के गांव में भी सभी लोग पहचानते हैं। अनीता को जो है, उसके जो पास के गांव के लोग हैं, वो लोग भी अनीता को अब अच्छी तरह से पहचानते हैं। गांव में अनीता जो है, सभी बैठकों में जाती भी थी और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई का महत्व के बारे में समझाती थी। ओके, लेकिन कई लोग ऐसे थे ना जो कि अनीता पे हंसते थे। बट अनीता को पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर अनीता शहद की बहुत बड़ी व्यापारी बनना चाहती है, जिससे वह लोगों को शहद की पूरी कीमत दिला सके। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो अनीता जो है, वो शहद की बहुत बड़ी व्यापारी बनना चाहती है, जिससे वो लोगों को शहद की पूरी कीमत दिला सके। अब यहाँ पर आता है कि पता कीजिए। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या आता है, अनीता और अन्य गांव वालों को 1 किलोमीटर शहद के बदले 34 रुपये मिलते हैं। 35 रुपये मिलते हैं। आपके शहर में 1 किलोग्राम शहद की कीमत क्या है? तो यहाँ पर अनीता के गांव वाले को कितना मिलता है? तो 35 रुपये मिलते हैं। कितना मिलता है? 35 रुपये मिलते हैं। तो आपके शहर में 1 किलोग्राम शहद की कीमत कितनी होगी? तो हमारे शहर में 1 किलो शहद की कीमत लगभग ज़्यादा नहीं होगा। शहद की कीमत ऐसे देखा जाए तो 60, 70, 80 तक ऐसे ही होगी, क्योंकि शहद की क्वालिटी पे भी हमारी कीमत डिपेंड करती है। तो 80 ले लो या 100 ले लो। ओके, तो मैं ना ये जितनी भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है ना, सबकी PDF में सेंड कर दूँगी। ओके ना, तो आप PDF में से सारे क्वेश्चन आंसर करना। अब यहाँ पर आता है, आपके घर में शहद इस्तेमाल होता है किस काम के लिए? तो हाँ, हमारे घर में शहद इस्तेमाल होता है। शहद से शरीर भी बहुत अच्छी रहती है, वर्क भी बहुत अच्छा करता है। जिसके अंदर वीकनेस है वो भी शहद का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मॉर्निंग में अगर उठ के अगर आप 2-2 चम्मच अगर शहद ले लो, तो बॉडी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। यह दिन भर काम करती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि छत्ते पे एक रानी क्या होती है? मक्खी होती है। हर छत्ते पे एक रानी जो है मक्खी होती है। ओके, जो कि अंडे देती है और छत्ते पे बहुत सारी काम भी करती है और ये दिन भर काम करती रहती है। ओके ना। अब यहाँ पर देखिए, फूलों के आसपास मंडराती है, वे शहद के फूलों से रस एकत्रित करती है।
अब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, तो वह एक तरह का खास तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियाँ को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। कामदार मक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मक्खियों के बगैर छत्ते या शहद का संग्रह संभव नहीं है। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फूलों के आसपास मधुमक्खियाँ मंडराती है, वे शहद के लिए फूलों से रस एकत्र करती है। मधुमक्खियाँ जो है ना वो शहद के लिए क्या करती है, तो फूलों से रस एकत्र करती है। ओके, फूलों से रस एकत्र करती है। अब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, अब किसी एक मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती है, खास तरह से नाच करती है। ओके, नाच करती है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को क्या पता चल जाता है कि रस कहाँ है। कामदार के लिए मधुमक्खियों का छत्ता बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि मधुमक्खी के बिना हम शहद संग्रह नहीं कर सकते हैं, और शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ जो है वो भूखी रह जाती है। ओके ना। अब आगे क्या है कि मधुमक्खी के अलावा कौन से जीव जंतु समूह में रहते हैं। मधुमक्खी के अलावा जैसे कि चींटियाँ भी कई बार आपने देखा होगा एक कतार लाइन से, फिर हाथी, फिर सुअर, ये सब क्या है, ये सब समूह में ही रहते हैं। मैंने तो बकरी को भी देखा है समूह में, है ना। तो ये सब जो है जीव जंतु जो भी हैं वो क्या रहते हैं, मतलब झुंड में रहते हैं। ओके, तो आपको समझ आ गया। मधुमक्खियाँ की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है और काम करती है। चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और कामदार चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है। दीमक और तत्तय भी इसी तरह समूह में रहते हैं, जैसे कि दीनांग भी समूह में रहते हैं, तत्तय भी समूह में रहते हैं, चींटियाँ भी समूह में रहती हैं। अब मधुमक्खी की तरह जो है ना वो चींटियाँ भी मिलजुल कर सभी काम करती है, और चींटियाँ भी अंडे देती है। जो सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखता है, और जो सिपाही होता है वो चींटी बिल का क्या रखता है, ध्यान रखता है। ओके, तो आज हम इस पार्ट को यहाँ तक ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बाय।